वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इन टूडेज वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा लिप बाम, लिप ऑयल एंड लिप ग्लॉसेस का कलेक्शन। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड हम इंट्रो को बड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। पहले हम बात करेंगे अपने लिप बाम की। सो बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है मेरे पास बट स्टिल छोटे छोटे कलेक्शंस हैं मेरे पास सब चीज़ों के। एंड जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ तो मुझे सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कुछ पीआर में आ जाते हैं, कुछ रिव्यू करना होता है तो कलेक्शन बढ़ते जाता है। बट आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करना है। अगर आपको कलेक्ट करना पसंद है, अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करना पसंद है तो वो तो फिर अलग बात होती है। बट एज अ कंज्यूमर जरूरी नहीं कि आपके पास इतना सारा प्रोडक्ट्स हो। जो प्रोडक्ट्स मेरे पास है मैं उसको उसके बारे में एक मिनी रिव्यू शेयर कर दूंगी एंड सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो अगर आपको पसंद आता है वो प्रोडक्ट्स या फिर आपको परचेज करना तो आप ट्राई दे सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिप बाम से। तो मेरे पास है यहाँ पे शुगर का लिप बाम, अलग अलग शेड ऑप्शन में अवेलेबल है एंड मेरा शेड है वो है 04 लिट। एंड ये लिप्स पे अप्लाई करने के बाद बहुत ही शीयर कवरेज देता है, यानी कि एकदम लाइट सा ब्राउन टोन आता है आपके लिप्स में। एंड ये मैंने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, स्पेशली विंटर्स में तो मैंने इसको बहुत यूज़ किया है एंड बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है आपके लिप्स को। एंड अगर आपके लिप्स चैप्ड है तो उनको बहुत अच्छे से हील कर देता है। एंड सेम अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास है अर्थ रिदम का लिप मास्क। सो कुछ टाइम तक मैंने इसको बहुत यूज़ किया एंड देन मैंने ये प्रोडक्ट को भी बहुत बार यूज़ किया है। तो मेरे पास अर्थ रिदम का है लिप बाम एंड लिप मास्क एंड इसमें मेरे पास लिप सीरम एंड लिप स्क्रब भी है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो जो लिप सीरम है अर्थ रिदम का वो मेरा ख़राब हो चुका है, मतलब वो एकदम श्रिंक होकर जेली लाइक टेक्स्चर में हो गया था, मुझे उसको फेंकना पड़ा। एंड लिप स्क्रब मैं यूज़ करती हूँ एंड ये है मेरा लिप बाम और लिप मास्क एंड दोनों ही बहुत अच्छा है। करंटली लिप मास्क फ्रॉम अर्थ रिदम जो है वो मेरा फेवरेट है एंड इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड शॉर्ट्स एंड रील्स भी अपलोड की थी, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। चैप क्रैक लिप्स को ना ये बहुत अच्छे से हील कर देता है। बट मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब ये प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च हुआ था तो ये ऐसा ना कि सेट ऑफ 4 एंड सेट ऑफ 2 के कॉम्बो में आता है। आप शायद सिंगल इसको परचेस नहीं कर सकते हो, सेट ऑफ 2 या सेट ऑफ 4 के कॉम्बो में आपको परचेस करना है एंड इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉम्बो चाहिए, स्क्रब, लिप बाम, लिप सीरम या फिर लिप मास्क में, तो आप इसमें अपना कॉम्बो डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने इस प्रोडक्ट को परचेस किया था फॉर 1000 रुपीज एंड वो वीडियो में व्यूज भी अच्छे खासे मुझे आए थे। अगर आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट में पॉपुलर पे क्लिक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा इसमें व्यूज अच्छे खासे आए थे मुझे एंड अभी भी व्यूज आते हैं। बट अब ये प्रोडक्ट आई थिंक सो अराउंड 600-700 के रेंज में मिल रहा है। तो मतलब न्यू लॉन्च हो रहा था तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि मैं खरीद लेती हूँ, पहला वीडियो बनाती हूँ क्योंकि अब तक किसी ने रिव्यू नहीं किया है तो मेरे को व्यूज के चांसेस है, लोग ज्यादा देखेंगे मुझे, यानी कि मैं लोगों तक पहुंच पाऊंगी। इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया है, 1000 रुपीज मैंने पे किया इस प्रोडक्ट का। नो डाउट ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट अभी जो उसका प्राइस रेंज है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि ब्रांड ने चीटिंग कर दी यार। मतलब उस टाइम पर जितने लोगों ने लिया उनको 1000 रुपीज में मिल गया एंड अभी इसका प्राइस कुछ और ही है, बट ठीक है क्या कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट मेरे पास है शुगर का टिप्सी स्क्रब एंड बाम डुओ। तो इसमें आपको एक साइड में स्क्रब एंड एक साइड में लिप बाम मिल जाता है, अगेन ये बहुत अच्छा है। एंड अगर आप लिप स्क्रब करते हो, अगर नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दो, काफ़ी अच्छा होता है। वंस और ट्वाइस अ वीक आपको लिप स्क्रब करना चाहिए जिससे क्या होता है जितने भी डेड स्किन सेल्स होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन करते हो लिपस्टिक का तो वो अच्छे से होता है, स्मूथ एप्लीकेशन होता है। तो अगर आप चाहो तो ऐसे प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आपको एक ही प्रोडक्ट में दोनों चीज़ मिल जाएगी। एंड ये 499 का रिटेल करता है। सो आई नो मतलब एज पर लिप बाम एंड लिप स्क्रब बहुत कॉस्टली हो गया ये, बट इसमें आपको दो चीज़ मिल रही है एंड काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल रही है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड माइट भी आपको ये अलग अलग वेबसाइट पर डिस्काउंट में भी मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉटन की के ग्लॉस बॉस लिप बाम की। एंड डॉटन की का जो एक नया लॉन्च हुआ था वो है बैरियर रिपेयर सेरामाइड एंड पेप्टाइड लिप बाम। सो ओके पहले ग्लॉस बॉस की बात करते हैं। तो मैंने इसका ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू किया हुआ है, अगेन आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और ये वाला रेंज तो मुझे पसंद है बट मुझे ये वाला
वाले रेंज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक्चुअली जब ग्लॉस बॉस लिप बाम लॉन्च हुआ था एंड उसकी पैकेजिंग कुछ और थी, फिर ये रीलॉन्च हुआ तो ये थी इसकी पैकेजिंग। एंड उस टाइम पे लोगों ने कंप्लेन किया था कि नहीं एप्लीकेटर सही नहीं है या फिर प्रोडक्ट सही नहीं है, तो फिर इसलिए वो रीलॉन्च हुआ एंड वो इस फॉर्म में आया न्यू फॉर्मुलेशन के साथ। बट मुझे दोनों में ज्यादा कुछ खास डिफरेंस लगा नहीं एंड दोनों ही मुझे अच्छा लगा, मेरे लिप्स पे अच्छा लगा। बट जब ये सेरेमाइड वाला आया ना तो लोगों ने बोला कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। बट ट्रू बी वेरी ट्रू, जब मैंने इसको अपने लिप्स पे अप्लाई किया एंड तब तक जब तक आपके लिप्स में तब तक कोई आपको हाइड्रेशन मॉइस्चराइजेशन तो प्रोवाइड करता है, बट कुछ टाइम बाद आपकी लिप्स पूरी ड्राई हो जाती है एंड जो भी अपर लेयर है लिप्स का वो निकलना शुरू हो जाता है, चैप होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने ये चीज़ इसके साथ नोटिस की है तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ एंड यस ये वाला रेंज को मैं यूज़ करती हूँ। देन लेट्स टॉक अबाउट द कलर चेंजिंग लिप बाम। तो ये है फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी एंड ओ माई गॉड, इसका जो पिगमेंटेशन है ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने रिसेंटली ना एक लिपस्टिक हैक टाइप शेयर किया था कि आप पहले इसको अप्लाई करो एंड जैसे ही कलर आता है उसको रिमूव करो एंड इसके ऊपर लिप ग्लॉस अप्लाई कर दो तो बहुत अच्छा लुक आता है। अब आप इसके ऊपर भी लिप ग्लॉस अप्लाई कर सकते हो बट वो लेयरिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो एक टिंट इफेक्ट आ जाता है आपके लिप्स एंड उसके ऊपर लिप ग्लॉस अप्लाई करो तो बहुत अच्छा लुक आता है। या फिर अगर आप इसको रिमूव करके ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो एक टिंट जो है वो नेचुरल इफेक्ट देगा एंड बहुत ही डार्क पिंक वाला टिंट आता है। तो आई गेस अगर आपके लिप्स पिगमेंटेड है तो इतना डार्क इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट अगर आपके लिप्स कम पिगमेंटेड है तो बहुत अच्छा डार्क इफेक्ट देने वाला है आपके लिप्स पे एंड बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है ये। सो और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रेंज पर आपको मिल जाता है तो हाईली रिकमेंडेड है ये, आप ट्राई कर सकते हो। एंड अभी लिप सीरम है मेरे पास, एक ही लिप सीरम है विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड पिलग्रिम जो कि है उनका स्क्वॉल एंड बबल गम वाला लिप सीरम, और ये मैंने बहुत कम यूज़ किया है तो ये मुझे एक पीआर पैकेज में रिसीव हुआ था। तो ये ना रोल ऑन के एप्लीकेटर के साथ आता है एंड इसमें बबल गम की फ्रेग्रेंस है, जैसा आप बूमर खाते हो ना वैसा प्रॉपर फ्रेग्रेंस है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इसको लिप्स पे अप्लाई करते हो ना तो ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपके मुंह के अंदर चला गया ना वो फील कर पा रहे हो एंड कुछ टाइम तक ना वो ऐसे ही रहता है एंड अच्छी फीलिंग फिर नहीं आती है। और ओवरऑल अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो ये आपके लिप्स को मॉइस्चराइज तो रखता है एंड अगर आपको फ्रेग्रेंस का एज सच इशू नहीं तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, बट मुझे है फ्रेग्रेंस का इशू क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं बस बहुत कम क्वांटिटीज की लगाती हूँ एंड रोल ऑन एप्लीकेटर ना तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप इसको अप्लाई करो तो बहुत ज़्यादा अप्लाई भी हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ अपर लिप्स पे अप्लाई करती हूँ एंड उसको अच्छे से दोनों लिप्स पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, अदरवाइज द प्रोडक्ट इज गुड। अगर ये बोले क्या बोल सकते हैं फ्रेग्रेंस का मैटर छोड़ दे तो ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिप ऑयल। तो मेरे पास सबसे पहला लिप ऑयल जो है वो है फ्रॉम द ब्रांड क्विंच विच इज देयर मेस्मराइज लिप स्मूथिंग ऑयल एंड ये दो उस ऑप्शन में आता है, एक इल्यूमिनेटिंग वाले ऑप्शन में आता है एंड एक ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन में है एंड इसको ही मैंने काफ़ी यूज़ किया। एक्चुअली मेरे पास इल्यूमिनेटिंग वाला एंड इसका दो मतलब तीन थे मेरे पास ये एंड सब खत्म हो गए, अब ये बचा है एंड दिस इज हाउ द एप्लीकेटर लुक्स लाइक। एंड ये काफ़ी अच्छा लिप ऑयल है, काफ़ी लाइट वेट है टेक्स्चर में एंड आपके लिप्स को काफ़ी अच्छे से हील कर देता है। तो जितने प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास लिप बाम या लिप ऑयल है मुझे सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे हैं एंड मॉइस्चराइजेशन में एंड चैप लिप्स को हील करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। कभी कभी मुझे क्वेश्चन आता है कि हमारे लिप्स पिगमेंटेड है तो क्या वो पिगमेंटेशन कम करने में हेल्प करता है क्या। जितने प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं मेरे लिप्स इतनी पिगमेंटेड नहीं है तो मैंने ये चीज़ एज सच कुछ फेस किया नहीं, तो मैं इसके बारे में आपको नहीं बता पाऊंगी। मैं फेस करती हूँ मोस्टली चैप लिप्स वाली प्रॉब्लम, ड्राई लिप्स वाली प्रॉब्लम, उसमें ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे हेल्प करते हैं। ओके देन नेक्स्ट लिप ऑयल की जो मैं अगर बात करूँ वो है फ्रॉम द ब्रांड नाइका जो कि है उनका लिप ग्लेस लिप ऑयल एंड इसका रिव्यू ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। एंड ये जो शेड है वो है कैरेमल पुडिंग, तो ये अलग अलग शेड्स में आता है एंड अभी मैंने इसी को वेयर किया हुआ है और ऐसे कोई शेड मेरे पास था नहीं तो मैंने इसको ट्राई किया एंड अच्छा है, मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। बट मैंने वो वाले वीडियो में बोला था, मैं इस वीडियो में बोलूँगी कि जो दूसरा लिप ऑयल मेरे पास है वो है फ्रॉम द ब्रांड के ब्यूटी एंड अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा प्राइसी है, ये थोड़ा कम प्राइसी है, बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, ये ऑल टाइम फेवरेट लिप ऑयल है मेरा। सो बट दोनों ही अच्छे हैं, बट मैं अगर रिकमेंड करना चाहूँ तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप के ब्यूटी का लिप ऑयल ट्राई करो एंड अगर
आप कंफ्यूज हो किसी एक में ही ट्राई करना है या फिर आपको नायका का ट्राई करना ही था तो आप इसमें भी ट्राई दे सकते हो, बट मेरा प्रेफरेंस होगा के ब्यूटी का लिप ऑयल। एंड अगेन ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बट इट्स अप टू यू। ओके, सो लास्टली लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लिप ग्लॉसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिप ग्लॉस की जो की है फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी, विच इज देयर शाइन एंड प्लम लिप ग्लॉस। तो ये भी अलग अलग शेड्स में आता है, बट इसमें एज सच कोई कलर नहीं है। यहाँ से ये ऑरेंजी टोन में दिख रहा है, बट एज सच कोई कलर नहीं है। एंड इसमें आपको मिल जाता है टाइनी शिमर पार्टिकल, आई होप इट इज विजिबल। एंड ये काफी टाइनी शिमर पार्टिकल है एंड लिप्स पे ऐसा ही लगता है कि बहुत ग्लिटर ग्लिटर इफेक्ट दे रहा है। ओवरऑल बहुत नेचुरल इफेक्ट देता है और काफी अच्छा लगता है। एंड थोड़ा सा मुझे ये थिक लगता है, बहुत थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हल्का सा थिक है, बट इट्स ओके, मतलब इतना बॉदर नहीं करता मुझे। देन नेक्स्ट जो लिप ऑयल है, सॉरी लिप ग्लॉस, देन नेक्स्ट जो लिप ग्लॉस मेरे पास है वो है फ्रॉम द ब्रांड शुगर पॉप एंड ये है उनका हाई शाइन लिप ग्लॉस इन द शेड कॉटन कैंडी। मेरे पास इनका दो और शेड्स था जो कि एक ट्रांसपेरेंट शेड था, आई गेस उसका नाम मार्शमेलो था, एंड एक था मैपल सिरप जो कि न्यूड शेड था। तो वो तो न्यूड शेड मेरा खत्म हो चुका है एंड उसका जो यहाँ का एप्लीकेटर था वो टूट गया था तो मुझे उसको फेंकना ही पड़ा। एंड जो ट्रांसपेरेंट शेड था शायद मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया था। एंड अभी मेरे पास ये कॉटन कैंडी वाला फ्लेवर अभी मेरे पास ये कॉटन कैंडी वाला शेड है एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिप ग्लॉस है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है। देन अगेन स्विस ब्यूटी का एक और लिप ग्लॉस है मेरे पास जो कि है प्लम्प अप बेड ग्लॉस एंड इसका दावा है कि प्लम्पी करता है आपके लिए, उसको मैंने फेस नहीं किया है। एंड जो मेरा शेड है वो है 09 वेरी लीशियस एंड इसमें आपको ना सुंदर सा काफ़ी लाइट पिंक वाला इफेक्ट आपको इसमें मिल जाता है एंड लिप्स पे ये बहुत सुंदर लगता है। बट अगर आपके लिप्स पिगमेंटेड है ना तो एग्जैक्ट ये शेड आपको नहीं मिलेगा, नॉन पिगमेंटेड लिप्स पे आपको ऐसा शेड एग्जैक्ट मिल जाएगा एंड ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन हम बात करते हैं लिप ग्लॉस विच इज फ्रॉम द ब्रांड कफ्स एंड लैशेस जो कि है शेड 07 जस्ट लाइक मैजिक। तो ये एक कलर चेंजिंग लिप ग्लॉस है एंड जब ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट था, बट अभी बॉटल में ज्यादा बचा भी नहीं है एंड ये पूरा कंप्लीटली पिंक कलर में चेंज हो चुका है। एंड कलर चेंजिंग लिप ग्लॉस है, प्लस कलर चेंजिंग वाले प्रोडक्ट्स तो फिक्स होते हैं, वो पिंक कलर में टर्न आउट होना ही, आप लिप्स पे लगाओ, हैंड्स पे लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, बोलते हैं पीएच के साथ चेंज होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ केमिकल भी उसमें मिला है जिसलिए कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि वो सेम इफेक्ट आपके हैंड्स पे भी देता है, सेम इफेक्ट आपके लिप्स पे भी देता है। हैंड स्वॉच में तो तुरंत ही वो पिंक हो जाता है स्वॉच करते करते ही, तो आई गेस इसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो हेल्प करता है कलर चेंज करने में। एंड अगर मैं पर्टिकुलर लिप ग्लॉस की बात करूँ, क्योंकि ये वाले लिप ग्लॉस में बहुत सारे शेड्स हैं, ओवरऑल काफ़ी लाइट वेट है एंड काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, तो यस अगर आप कफ्स एंड लैशेस का प्रोडक्ट अब तक ट्राई नहीं किए हो, लिप ग्लॉस में इन्वेस्ट करना है तो यस इसमें आप ट्राई कर सकते हो। एंड लास्टली हम बात करते हैं मार्स के न्यू लॉन्च की विच इज देयर कैंडीलिशियस लिप ग्लॉस एंड जो मेरा शेड है वो है मैजिक पॉप एंड इसमें भी आपको बहुत सारे शेड ऑप्शन मिल जाते हैं और करंटली दिस इज माई फेवरेट लिप ग्लॉस। सो यस दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक एंड इसमें ना पिंक कलर दिख रहा होगा एंड इसमें टाइनी पार्टिकल्स हैं। इसका भी ऑलरेडी मैंने शॉट डाला है तो उसमें आप टेक्सचर शॉट अगर देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, आई गेस ब्लू कलर के टाइनी पार्टिकल्स हैं, बट जब आप इसको लिप्स पे अप्लाई करते हो ना तो बहुत अच्छा लुक दिखता है। ग्लिटर के टाइनी पार्टिकल्स दिखते हैं बट बहुत डिसेंट एंड नेचुरल लगता है, वो ऐसा नहीं लगता कि आप ग्लिटर लगा के आ गए हो, बहुत डिसेंट लुक देता है। एंड अगेन ओवरऑल फॉर्मुलेशन मेरे को इसका बहुत पसंद आया, तो यस आप इसको ट्राई दे सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, ये थे सारे लिप ग्लॉसेस, लिप बाम एंड लिप ऑयल जो मेरे पास है एंड मैं इसको यूज करती हूँ। इसमें से ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं, अदरवाइज सारे प्रोडक्ट्स तो इसमें अच्छे ही हैं। एंड अगर आप चेकआउट करना चाहते हो इन सारे प्रोडक्ट्स को तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इनके ऊपर मैंने जो भी इंडिविजुअल रिव्यूज बनाए हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हेल्प करना है इनडायरेक्टली मुझे ताकि मैं 10K सब्सक्राइबर तक रीच कर पाऊँ। सो यस इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।